क्या देवता लोग जैसे विष्णु लोग शिव लोग गोलोक धाम अस्तित्व में है? क्या तंत्र साधना के अनुसार रुको क्या गोलोक धाम विष्णु लोक लिंक्ड है एक्चुअली? हाँ आ रहा है ना, ये सत्य में एग्जिस्ट करते हैं, परमात्मा करे इसका समय मिले। एक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक हमारा पाइनियल ग्लैंड है और एक हाइपोथैलेमस है। ये सत्य में एग्जिस्ट करते हैं साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हमारे ब्रेन में, लेकिन इसके इतनी लंबी विस्तृत बात है और दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास इसके फर्रे नहीं है इस टाइम, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, तो इसको हम पेंडिंग रखेंगे। लेकिन ये बहुत सुंदर टॉपिक बनेगा क्योंकि ब्रेन के अंदर सेक्शंस हैं, इसमें ऐड कर दें। इसमें एक सत्य लोक है, इसमें एक आनंद लोक है, आनंदमय कोश वगैरह बात करते हैं ना हम, आनंदमय लोक है वो हमारा न्यूक्लियस एकम्बेंस प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन, तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, ये सारी यही हैं। मिहिर लोक फलाना लोक गोपर फपल फलान डिमकान जो है ना, इतने तल वितल फलान डिमकान सब नीचे सब है। ये बॉडी को डिस्क्रिप्टिव वे में उन्होंने यूनिवर्स के साथ बताया है, माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म। अगला क्या है जी? जी इसी से लिंक्ड है कि क्या तंत्र साधना के अनुसार देवता की उपासना करने वाला मृत्यु के बाद उसी लोक में जाता है? तंत्र साधना के अनुसार देवता की उपासना करने वाला, तंत्र क्या होता है? तन के परे, जो इस तन से ऊपर की बात हो रही है, यानी कि हम इसके आगे की शक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, हालांकि मैं 99 उठा सकता हूँ, 100 मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला है, 100 किलो वजन मान लो मैं उठा सकता हूँ, अब मुझे उठाना है 200, कैसे उठाऊँ? तो मैं मदद लूँगा किसी की। लेकिन कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जो मतलब मनुष्य शक्ति से आगे के कर लेते हैं, कमाल कर दिया इस बंदे ने, वो किसी न किसी अन्य शक्ति या ऊर्जा से ताकत लेते हैं। जैसे एक रुद्र नाम का देवता है, वो शिव का रौद्र रूप है, कत्ल मचा डालेंगे, आग मचा डालेंगे, तो शिव का रौद्र रूप है। यानी इंसान ऐसी अवस्था में पता नहीं कितनी कितनी काम करता है जो असंभव लगे आम व्यक्ति, यानी कि उसने वो वाली एनर्जी इन्वोक करी अपने अंदर और कमाल कर दिया है। कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव डिपेंड्स, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे सोमदेव हैं एक, वो बड़े शांत हैं, स्थिर हैं, ऐसे अलग अलग हैं। यमराज के बारे में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं मृत्यु, तो किसी की शक्ति ली है आपने, वो शक्ति लेने के पश्चात आप उस पोर्टल से जुड़ गए, तो ये संभव है कि आप उस एनर्जी के क्षेत्र, उस एनर्जी के घेरे में, अंतरिक्ष में चले जाओ, वहाँ भी कोई ना कोई लोक होगा। लोक मतलब क्या होता है? जहाँ पोजिशनिंग है। लोक ये नहीं है ब्रह्म लोक, ये लोक मतलब जगह, ये पूरा लोक ही ब्रह्म लोक है। मन मन सारा मन ही है, जैसे एक शब्द होता है अंतर्मन, अंतर्मन फंतर्मन कुछ ना, ये अलग अलग शब्द बने हुए हैं। अंतर्मन की यात्रा करें, अभी इन्होंने प्रश्न पूछा अंतर्मन की यात्रा, कौन सी यात्रा, क्या है, ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जिस प्रश्न को आप पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे सुन रहे हो, लोगों से सुन रहे हो, वो रॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बारे में सबने कुछ ना कुछ कह रखा है लेकिन उत्तर नहीं मिला, आज तक संतुष्टि नहीं हुई, वो रॉन्ग क्वेश्चन है, वो प्रश्न ही बेवकूफ़ी भरा है। अंतर्मन की यात्रा जैसा कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाविष्णु है, ये कुछ नहीं होते ऐसे, ये शब्द बने हुए हैं, वो उसी का विस्तार है। अभी किसी ने पूछा कि क्या सूर्य अलग है, विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है, तो ये हाथ है, ये पैर है, ये एक ही है भाई। बोले ज़्यादा महान कौन है, सूर्य या चंद्रमा? ज़्यादा महान कौन है, पैर या हाथ? ये बेकार के क्वेश्चन है, ये नॉनसेंस क्वेश्चंस।